हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी को महापर्व छठ की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज मैं महापर्व पर बनने वाली ट्रेडिशनल डिश ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना, जिससे कुछ भी मिस ना हो। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, आप मैदे का भी यूज कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच घी, इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, थोड़ा सा मिल्क। फ्रेंड्स, आप किशमिश का भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, 1/4 कप चीनी, मैंने चीनी का यूज कर रही हूँ, इसे मैंने पीस कर लिया है। आप इसमें गुड़ का भी यूज कर सकते हो और गुड़ का घोल बनाकर आप उसको छान कर ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आटा को एक बर्तन में डाल लिया है, उसमें इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आपको टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ठेकुए में। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको हाफ यूज करूँगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। थोड़े से काजू डालेंगे। फ्रेंड्स, आप किशमिश भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा, ये भी ऑप्शनल है, बट इसको भी डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ठेकुए में। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब घी डालेंगे। फ्रेंड्स, घी को मेल्ट करके ही डालें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे घी का यूज़ कर लिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाइंड होने लगे तब समझिए आपका मोयन परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर हम इसमें पहले चीनी को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप गुड़ का पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसका भी यूज कर सकते हैं और इसमें मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर इसका डो बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमें रोटी जैसा डो नहीं बनाना होता है, सेमी डो रखना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हैंड से गोल शेप देकर सारी रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने एक बार में 4 से 5 बनाकर रेडी कर ली है। चलिए अब आपको ठेकुए का डिज़ाइन बनाकर देखें। फ्रेंड्स, सांचे की ज़रूरत नहीं होती, हम घर पर भी अपनी कुछ ट्रिक से डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए, फोक कोल ले लिया है मैंने। देखिए देखिए, हल्के हाथों से प्रेस करते हुए देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी हो गया ना फ्रेंड्स। इसको हैंड से थोड़ा फ्लैट करेंगे। अब इसको बीच में रखकर थोड़ा सा दबाएंगे। अब दूसरे साइड से साइड पर रख के देखिए फ्रेंड्स, हमें सांचे की ज़रूरत नहीं होती, हम बिना सांचे के भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, जिसे मैंने सांचे से रेडी किया। अब ये छन्नी होती है ना जिससे हम फ्राई करते हैं। अब इसको बीच में रखकर इसको हल्के हाथों से दबा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन रेडी हो गया। ऐसे मैं आपको अलग अलग डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। अब इसको फिंगर के हेल्प से हम एक पत्ती का शेप दे देंगे। देखिए, अब नाइफ से इसके सेंटर पर ऐसे लाइन बनाएंगे, इसके साइड में ऐसे छोटी छोटी लाइन बनाएंगे। देखिए देखिए, कितनी ब्यूटीफुल पत्ती लग रही है ना फ्रेंड्स। आप सांचे से भी इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन नहीं रेडी कर सकते हैं। देखिए अब आपको हार्ट शेप में बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सारा टैलेंट आप मेरा देख लीजिए। देखिए
अब फिर नाइफ से इसमें पत्ती का लुक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरीके से ठेकुए बनाकर देखिए, रियली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल बनेंगे। ऐसे ही डिज़ाइन में भी आपको किसी से आज की ज़रूरत नहीं है। अब एक और डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं आपको। ये हेयर पिन होता है ना फ्रेंड्स, उसका ऊपर का जो डिज़ाइन होता है ना वो निकल जाता है ना, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए सेंटर में रख के अब साइड से देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब एक डिज़ाइन और बनाकर दिखाती हूँ आपको। देखिए फिंगर से देखिए, अब इसको मैंने सेम पत्ती वाला लुक दिया, जैसे डाल से टूटती है ना पत्ती, तो उसमें कॉर्नर होता है। अब इसको भी नाइफ से सेंटर में पीछे का लुक मैंने वैसा दिया है इसमें, जैसे डाल से अटैच होती ना पत्ती, तो ऐसा ही शेप होता है। इसीलिए बोला मैंने फ्रेंड्स, मैं आज आपको सारा टैलेंट दिखा दूंगी कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, और आप मुझे फॉलो करके मैं आप भी टैलेंटेड हो सकते हो। तो इसीलिए मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मैंने आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखाया ना, कितने सुंदर लग रहे हैं ठेकुए हमारे। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। मैंने गैस ऑन करके थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हमें नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए ऑयल का। देखिए एक एक करके सारे ठेकुए, देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं ना, बस इतना ही गर्म ऑयल हमें चाहिए। ज़्यादा हीट हो तो आप उसका टेम्परेचर लो कर लें, क्योंकि ठेकुए हमारे थिक होते हैं, हाई फ्लेम पर उनको फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से सिक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। एक बार में जितने आएंगे उतने कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए मैंने डाल लिए हैं, अब इनको सिकने देंगे। अब उसी फोक से इनको दूसरे साइड पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सिककर रेडी हुआ है हमारा ठेकुआ। फ्रेंड्स आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपके ठेकुए भी ऐसे ही बनकर रेडी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट में निकाल लिए, लग रहे हैं ना कितने ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स आपको मेरे ठेकुए की रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स यू सो मच ऑल।